हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इजी टू हेल्दी किचन में। तो जी हाँ, आज हमारे किचन में परवल की मिठाई बनने वाली है। तो इसके लिए हम लोगों ने परवल लिया है, कुछ 8 परवल हैं हमारे पास। तो कुछ परवल को मैं पहले से छीलकर और सारे बीज को निकाल कर रख चुकी हूँ और एक परवल मैं आपके सामने छीलकर दिखा रही हूँ। तो इसे मैं पीलर की सहायता से छील रही हूँ, आप चाहें तो चाकू की हेल्प से भी छील सकते हैं। तो इसके सारे छिलके को अच्छे से निकाल लेना है। तो देखिए, मैंने अच्छे से छील लिया है और दोनों किनारों को कट कर देना है और बिल्कुल बीच से इसे कट लगाकर इसके सारे बीज को बहुत सावधानी के साथ निकालना है, नहीं तो यह फट जाएगा। तो इसे हम लोग सावधानी के साथ निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को आप अंत तक देखें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो देखिए, मैंने निकाल लिया है बीज को और अब हम लोग पानी उबलने के लिए मैं रख चुकी थी, तो पानी गर्म हो चुका है और मैं यहाँ पे 1/2 TSP बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, जिससे क्या होगा कि परवल का कलर जो है सो ग्रीन हो जाएगा, परवल हमारी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी और इसकी जो है स्मेल है वो भी निकल जाएगी। तो इसे हम लोग 2 मिनट तक पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे ढक कर 2 मिनट तक हम लोग पकाएंगे। तो देखिए, 2 मिनट हो चुका है और जैसा कि आप देख रहे हैं परवल का कलर बहुत अच्छा हो गया है। तो इसे हम लोग उतार कर और हम लोग सिरप की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप शुगर लिया है और 1/4 कप मैं यहाँ पे पानी ऐड करूँगी। मैंने गहरा बर्तन लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि परवल इसमें शुगर सिरप में सारा डूब सके। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो गहरा बर्तन लें और ज़्यादा क्वांटिटी में आप शुगर सिरप बनाएं, ताकि आपका परवल जो है सो इसमें अच्छे से डूब सके सिरप में। तो फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत कम समय के लिए परवल की मिठाई देखने को मिलती है। जब परवल की सीज़न आती है तो 1-2 महीने ही परवल की मिठाई मार्केट में आती है। तो आज हम लोग इसे बनाएंगे और बहुत मज़े के साथ इंजॉय करेंगे। तो ये देखिए, शुगर सिरप रेडी है, बिल्कुल चिपचिपा सा हो गया है। इसे हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बिल्कुल चिपचिपा सा करना है, बस वैसे ही चाशनी हमारी रेडी हो जाएगी। तो अब हम लोग इसमें सारे परवल को ऐड कर देते हैं। तो देखिए, मेरे सारे परवल इसमें डूब रहे हैं और अब हम लोग इसे चलाकर 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे बस। बहुत आसान तरीका है बनाने का ये, परवल की मिठाई बहुत ईजी तरीके से बन जाती है। तो देखिए, परवल पक चुका है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे। और इसमें आप थोड़ा सा मार्केट वाला लुक देने के लिए मैं यहाँ पे फूड ग्रीन कलर डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें, इसका नेचुरल कलर भी बहुत अच्छा है। तो देखिए, कलर और भी अच्छा हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे 8 से 10 ड्रॉप मैं रोज एसेंस ऐड कर रही हूँ, जिससे ये होगा क्या कि खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी हमारे परवल की और बिल्कुल मार्केट जैसा इसका फ्लेवर आएगा खाने में। तो ये देखिए, अब हम लोग इसे अच्छे से इसका सिरप निकाल कर सारे परवल को बाहर कर लेते। देखिए, सारा परवल हमारा बाहर आ गया है और ये हमारी स्टफिंग है। तो मैंने 3 टेबल स्पून इससे भरकर शुगर पाउडर लिया है, जिसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है, और 150 ग्राम के करीब में खोया है और कुछ कटे हुए काजू और बादाम और 1 TSP सौंफ है और 2 कूटे हुए इलायची हैं। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें सौंफ ज़रूर डालना है क्योंकि इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़े से मिश्री भी डाल सकते हैं, तो वो मुंह में जब आता है ना खाते टाइम तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम लोग इसके 8 पीसेस बना लेती हूँ। तो देखिए, मैंने 8 पीसेस बना लिए हैं खोया का और अब हम लोग इसमें बीच में अच्छे से इसकी स्टफिंग कर देंगे। आप चाहें तो स्टफिंग थोड़ी कम भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से स्टफिंग कर रही हूँ क्योंकि मसाले में बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स है जो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा स्टफिंग यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये देखिए, एक परवल की मिठाई बिल्कुल रेडी है हमारी। तो देखा आप सब ने, कितना आसान है परवल का मिठाई बनाना। न तलने की झंझट है, न कुछ करने की, बस उबाला और परवल की मिठाई रेडी हो गई। तो देखिए, फिर इंजॉय कीजिए परवल की मिठाई को।
तो चलिए फिर ट्राई कीजिए आप सब। थैंक यू, बाय बाय।